बनाएगा, ठीक है? रेडी है सब बच्चे? अभी स्टार्ट करने से पहले आपको 5 मिनट मिलेंगे। माइंड में जो भी आ रहा होगा थॉट्स, उसको सोचना कि क्या आ रहा है, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। yes, सोच लिया आपने? yes, चलो टीम ये है बी और ये है टीम ए, ठीक है? अब तुम्हें सबको एक दूसरे का नाम मालूम है ना? yes, मिला है। वेरी गुड। मुझे शिप मिला है, शिप समुद्र में डूब गई थी। हाँ, शिप समुद्र में डूब गई थी। हाँ, ये भी बता सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट तुम बोलो बेटा। अपने क्या मिली है चांदनी को? बस। अब बस के बारे में बताओ। हम बस में टिकट भी मिलती है और बस बसों के कई नाम भी होते हैं, स्कूल बस और कहीं भी जाती है बस। बेटा क्या मिला तुम्हें? हेल्दी होता है। वेरी गुड। वेरी गुड। ये वाली टीम पूछेगी। वेरी गुड। सहल आपको क्या मिला है? मुझे सुपर बाइक मिली है, ये मुझे बहुत पसंद है, इससे मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। हाँ, वेरी गुड। चलो चांदीदार आपको क्या मिला है? स्कूल बस मिला है, स्कूल बस हमें स्कूल भी छोड़ता है और घर भी छोड़ता है। वेरी गुड। मुझे सनफ्लावर मिला है, ये बहुत अच्छा होता है और इसकी ये इसका रंग येलो होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ओके, वेरी गुड। टीम बी बताओ बेटा तुम्हें क्या मिला है? मुझे मटर मिला है और इसकी सब्जी भी बनती है, इसका कलर ग्रीन होता है और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। चलो टीम ए में ये बताएगी। वेरी गुड। मुझे घोड़ा मिला है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है और इसके ऊपर बैठ भी सकता है। मुझे इंडिया गेट मिला है, इस पर हम घूमने जाते हैं और ये बहुत पुराना है। ओके। मुझे 9 नंबर मिला है, 9 किसी का रोल नंबर भी होता है और हम किसी भी चीज़ में इसका यूज कर सकते हैं, ये नंबर में भी यूज बोला है और हम इसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं, वेरी गुड। क्या मिला है? वाटरमेलन है, इसे हिंदी में तरबूज कहते हैं और ये गर्मियों के मौसम में ज़्यादा बिकता है और ये 2 तरीके के होते हैं और ये अंदर से रेड होता है और ये यार इससे जूस भी बन सकता है और ये बच्चों को बहुत पसंद भी होता है, गर्मियों के वक्त ज़्यादा बिकता है। वेरी गुड। मेरे को पपाया मिला, पपाया मेरे को खाने में बहुत अच्छा लगता है और इसका जूस भी बनाया जाता है, इसे काट के भी खाया जाता है और जब ये कच्चे होते हैं तो इसमें मसाला लगा के खाने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चलो वेरी गुड। बेटा आज हमने क्या सीखा? एक चित्र देखकर वाह कहना।